सो हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक जो कि आपका पावर रिसोर्सेज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको इसके नाम से समझो कि क्या ये हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी बता देता हूँ मैं आपको, है ना, डेफिनेशन, और फिर डेफिनेशन और फिर आप नाम से समझेंगे तो आपको इतना एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। दोज रिसोर्सेज विच प्रोवाइड्स एनर्जी, ठीक है, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पावर रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब देखो, आपका मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो आप क्या करते हैं, उसे चार्जर से लगा देते हैं। तो चार्जर भी देखो एक तरह की एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, चार्जर भी तो एक तरह की एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है आपको मोबाइल को, तो वो क्या पावर रिसोर्सेज है, बिल्कुल है। ठीक है, वही आपका एक पावर रिसोर्सेज है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, ये पूरा जो सेशन है, पूरा सेशन ही कम पड़ जाएगा, इतने सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आप खुद भी सुन सकते हो। अब देखो, वो पावर रिसोर्सेज तो हमने समझ लिया जिनसे एनर्जी मिलती है, पर कई सारे रिसोर्सेज ऐसे भी हैं, है ना, कई सारे रिसोर्सेज ऐसे भी हैं जिनसे एनर्जी बहुत कम वक्त के लिए मिलती है। ठीक है, एनर्जी बस एक ही बार मिल पाती है, हम दूसरी बार नहीं ले सकते, तो उन सबको कैटेगराइज कर दिया गया। ठीक है, तो जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, और जो सेकंड कैटेगरी है वो है नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज या फिर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, अब इसका मीनिंग समझो क्या होता है। देखो, नाम से मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, एग्जॉस्ट मतलब होता है खत्म हो जाना। ठीक है, एग्जॉस्ट मतलब होता है, एग्जॉस्टिबल मतलब भी यही होगा कि खत्म हो जाना। ठीक है, खत्म हो जाना या फिर हो जाते हैं रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसे आप इसे समझ सकते हो कि खत्म हो जाने वाले रिसोर्सेज। ठीक है, और नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज मतलब नॉन मतलब, ठीक है, नहीं हम मान सकते इसका मीनिंग। ठीक है, एग्जॉस्टिबल मतलब नहीं, खत्म नहीं होने वाले रिसोर्सेज। ठीक है, अब देखो, आप इसको खुद भी समझो, थोड़ी थोड़ी देर आप खुद सोचो, आप एक मिनट आप खुद सोच सकते हो कि ऐसे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, और नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, आ गई बात दिमाग में कि ऐसे रिसोर्सेज जो खत्म हो जाते हैं वो होते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, और जो खत्म नहीं होते वो होते हैं आपके नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ठीक है, अब देखो, आपको मैं कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो, इनकी डेफिनेशंस तो मैं आपको बता, ठीक है, तो देखिए इनकी एग्जांपल्स बता देता हूँ मैं आपको। तो एक होते हैं एग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, आप कन्वेंशनल भी आपको लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में कन्वेंशनल भी आया तो मैं कन्वेंशनल भी लिख देता हूँ। ठीक है, एग्जॉस्टेबल या फिर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब ऐसे सोर्सेज जो हम एक बार यूज कर लेंगे, एक बार उनसे एनर्जी प्रोवाइड कर लेंगे तो खत्म हो जाएंगे, तो वो रिसोर्स होता है आपके ये। तो इसके एग्जाम्पल्स देखो क्या है, इसके एग्जाम्पल से कोल है। ठीक है, जैसे आप कोयला है तो कोयले को आप एक बार जला देते हैं तो पूरी तरह खत्म हो जाता है वो। ठीक है, इसके बाद देखो, आप पेट्रोल लिखे, आप वुड लिख सकते हो, आप आपका जो नेचुरल गैस होती है उसे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सब कन्वेंशनल या फिर एग्जॉस्टिबल सोर्सेज हैं एनर्जी के। अब इसका अपोजिट यानी कि नॉन एग्जॉस्टिबल या फिर नॉन कन्वेंशनल, ठीक है, आपको नॉन कन्वेंशनल भी आ सकता है आपके एग्जाम में, ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो मतलब ऐसा सोर्स एनर्जी का जो कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे बात को, इसका मीनिंग कुछ ऐसा है कि ऐसे एनर्जी के सोर्सेज जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो आज के वक्त में साइंस ने ऐसी डिस्कवरीज कर ली है, कई सारे ऐसे सोर्सेज ढूंढ निकाले जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए इनके एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो एग्जांपल है वो है सोलर एनर्जी। ठीक है, यानी कि ऐसी एनर्जी जो सन से पाई जाती है तो उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। इसके बाद देखिए, एक होती है आपकी, देखो इसके बाद होती है आपकी विंड एनर्जी, मतलब ऐसी एनर्जी जो कि विंड यानी कि हवाओं से पाई जाती है। ठीक है, आपने कई जगहों पे विंड मिल्स देखेंगे तो वो इसीलिए लगाए जाते हैं एनर्जी पाने के लिए। ठीक है, देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ऐसी एनर्जी जो वाटर से पाई जाती है। ठीक है, जो एनर्जी वाटर से पाई जाती है वो होती है आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और देखो इसके बाद एक और एग्जाम्पल भी होता है, वो होता है न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी मतलब जो न्यूक्लियस जो होते हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियस प्लांट्स होते हैं, किसी आपने पढ़ा होगा, जो एटम्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, तो उनसे जो एनर्जीज पाई जाती है वो हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो और भी बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हैं जो नॉन कन्वेंशनल है। ठीक है, जिनको मतलब कभी ख़त्म नहीं होंगी, जो है ना, ऐसा साइंटिस्टों का मानना है। तो आई होप यार यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, इतना ही आपके लिए ज़रूरी है। और अगर आपको कुछ और डाउट होता हूँ ज़रूर मुझसे पूछ लें। ठीक है, ठीक है, और बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो हमने अपलोड कर दी है, अगर आप वो चाहते हैं तो नीचे एक लिंक आपको मिल जाएगी, उस लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।